अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज हम बना रहे हैं समोसा चाट। पहले हम चने बनाएंगे, उसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ हैं चने, एक बड़ा सा बाउल चने का लिया है हमने। ये चने हमने बॉईल कर दिए थे और यहाँ हमने कुछ ऑयल लिया है। हमने चॉप्ड ऑनियंस लिए हैं, दो ग्रीन चिल्लीज और थोड़े टोमेटोज हैं उनको काट लिया था। और हमने लिया एक जिंजर गार्लिक पेस्ट, हमने लिया कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर लिया है और जीरा लिया है हमने, साबुत जीरा लिया है, नमक भी लिया है हमने यहाँ पर। और एक और चीज़ हम ऐड करना भूल गए थे, वो है इमली का पल्प, इमली का पानी चाहिए होगा। एक सॉस पैन में आप थोड़ा ऑयल डालेंगे और फिर उसमें आप डालेंगे जीरा। फिर उसमें आप चॉप्ड ऑनियंस डालेंगे। फिर आप इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज, आप ग्रीन चिलीज को काट के इसमें डालेंगे। इसको तब तक पकाएं जब तक ये ऑनियंस कैरमलाइज नहीं हो जाते, थोड़े से हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं, आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो तब तक इसे आपने पकाना है। यानी कि ये जो आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए, हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से इसमें पका लिया है। सारे स्पाइसेस डालेंगे, आप डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, फिर आप इसमें डालेंगे चिली पाउडर और अब आप इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, नमक डालेंगे अब आप इसमें, लास्टली आप इसमें क्यूमिन पाउडर डालेंगे। अब इस मसाले को आप अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टोमेटोज। अब हम टोमेटोज के गलने तक उनको पकाते रहेंगे। अब हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे। अब इसमें हम चने डालेंगे। इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपना बताएंगे। हम इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। ये ग्रीन चटनी और दूसरी एक चटनी जो हम इसमें डालेंगे, मीठी चटनी, ये दोनों चटनियाँ हमने अपनी दूसरी वीडियो में बनाई है। वो वीडियो हम आपको लिंक डाउन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हम वीडियो की एंड में भी लगा देंगे। Thank you.
एक अच्छी सी टिप ये है कि अगर आप अपने चनों को गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालें, उनको थोड़ा सा मैश कर लें। जो थोड़े से जो अंदर मैश हो जाएंगे उनकी वजह से ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा। जैसे आप शॉप से लेते हैं वो आपको उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के देते हैं। ये देखें हमारे चने तो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे चाट। चाट के ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे। हमें चाट के लिए चाहिए होगा समोसे। समोसे जितने चाहे आप ले सकते हैं। ये आलू के समोसे हमने लिए हैं यहाँ। और हमें चाहिए होगी ग्रीन चटनी। ये ग्रीन चटनी वही है जो हमने दूसरी वीडियो में बनाई थी। ये चटनी और मीठी चटनी जो है, ये दोनों चटनियाँ हमने अपनी दूसरी वीडियो में बनाई है, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी दे देंगे और वीडियो के एंड में लगा देंगे। ये हमने कुछ दही लिया है जिसमें हमने थोड़ी सी शुगर और ब्लैक सॉल्ट डाला है, काला नमक और शक्कर डाली है हमने इसमें और मिक्स कर दिया है। यहाँ हमने क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर लिया है और चाट मसाला लिया है यहाँ पर। एक प्लेट में आपने समोसे को बाइट साइज पीसेस में ब्रेक कर देना है। अब आप इसमें चने डालेंगे। किसी भी चीज़ की कोई भी क्वांटिटी नहीं है फिक्स, आप अपनी मर्जी से जितना चाहे जो चीज़ चाहे डाल सकते हैं इसमें। इसके ऊपर दही डालनी है। अब आप इसके ऊपर ग्रीन चटनी डालेंगे और आप इसके ऊपर डालेंगे मीठी चटनी। यह खजूर और इमली की चटनी है। फिर आप इसके ऊपर डालेंगे क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर डालेंगे आप इसके ऊपर और आप इसके ऊपर डालेंगे रेड चिली पाउडर। अब आप इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये चाट जो है ये हम दुबई से लेते थे और बहुत ही महंगी पड़ती थी हमें, 7 दरहम से 10 दरहम्स की सिर्फ 1% के लिए होती थी। तो इस चाट को आप घर में आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इतनी अच्छी चाट बना ली है। यहाँ पर हमने फिर से इसके ऊपर दही डाला है और हम इसके ऊपर जो चाहे डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने मीठी चटनी डाली है। अब फाइनली हम इसको गार्निश करेंगे। हम चॉप्ड ऑनियंस डालेंगे इसके ऊपर और हम डालेंगे इसके ऊपर चॉप्ड टोमेटोस। ये देखें हम चॉप्ड टोमेटोस डालेंगे इसके ऊपर और हम इसके ऊपर धनिया डाल सकते हैं, हम इसके ऊपर ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं, जो चाहे जिस चीज़ से आप इसको, पापड़ी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप इसको अच्छे से गार्निश कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये देखें हमारी चाट बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी हो गई। आप किसी के लिए भी बना सकती हैं चाट घर में और मेहमानों को बनाकर भी खिला सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने हमारी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा।